सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल की हाल चाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स आवर डे टू विद दिस व्यू गाइस। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 7 बज गए और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग को निकलना है रेडी होके विंपल आइलैंड की ओर। सो सबसे पहले तो फटाफट से जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट 6 बजे से 9 बजे तक है, अभी 7 बज गया, फटाफट जाके ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आके रेडी वेडी होते हैं फिर आपको मिलता हूँ। अभी मैं देखो नींद में हूँ काफ़ी, रात को 10:30 बज गए थे सोते सोते, जैसे ही आप सब लोग को दिखाया बीच के बाद फिर हम लोग आगे थोड़ा मूवी वगैरह देखे फिर सो गए थे। तो अभी हम लोग अपने होटल से यहाँ पे आ गए स्पीड बोट के लिए। आप पीछे मेरे देख सकते हैं पार्किंग में कितनी सारी बाइक्स लगी हुई है, पीछे और कार हैं। और आज वैसे ही एक तो वियतनाम इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे और सैटरडे है, वीकेंड है, तो आज तो बहुत ही ज़्यादा रश रहने वाला है मेरे ख्याल से। और मुश्किल है कि हम लोग सब राइड्स और सब जो भी है उसके सारी चीज़ें यूज़ कर पाएँ, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके उतना कवर कर सकें। सबसे पहले तो जाके मैप लेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ पे जाना है, पहला स्पॉट कौन सा है, दूसरा स्पॉट कौन सा है। सो लेट्स गो, फटाफट से पहले चलते हैं स्पीड बोर्ड की तरफ। इसको देख लें कितनी प्यारी लग रही है, हाँ। तो फोटोज़ अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए बेबू कोड, द कोजी वाइब बेबू कोड। धूप की वजह से छाता, और स्पेशल छाता हम लोग ने यूवी वाला मंगवाया, उसको लिखा हुआ है। तो ये जहाँ अगर आप एंटर करते हैं आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह लिखा होगा शो का, क्या क्या टाइमिंग है और क्या क्या चीज़ें कब कब खुली रहती है। और ये मैप है, आप देख सकते हैं एक दिन में कवर करना तो इम्पॉसिबल है इतनी सारी चीज़ें। सो अभी हम लोग आ गए हैं जो हम लोग ने क्लुक से बुक किया था वहाँ पे, उसके अपने कूपन को स्कैन कराने के लिए टिकट काउंटर पे। तो अभी फटाफट से टिकट स्कैन कराएंगे फिर उसके बाद हमारी स्पीड बोट यहाँ से पता चलेगी कौन से टाइम पे चलने वाली है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्पीड बोट के लिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। सो पर लाइन तो चल रही है फास्ट फास्ट, मे भी शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 9:40 को आए, 8 बजे चालू होता तो 8 बजे से कितने लोग गए रहे हैं? हमारा प्लान तो 8 बजे का था बट इम्पॉसिबल हो गया हमारा, हम लोग उठे ही 6:30 बजे हैं फिर हैं क्योंकि बाबू जल्दी नहीं उठते। ये स्पीड बोट के लिए लाइन है गाइस, इधर ही 1 घंटा लग जाने वाला है मेरे को लग रहा है। और 9:40 हो गए हैं और 10:40-11 बजे तक तो स्पीड बोट पे बैठे हैं मैं, वैसा लग रहा है सब इसकी गलती है, मेरी तुम्हारी गलती है, 6:30 बजे से तुमको उठा दिया। गाइस वेलकम टू डिज्नीलैंड ऑफ वियतनाम। फर्स्ट राइड जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी फनी दिख रही है राइड, अभी सब आपस में टकराते रहेंगे। सो अभी हमारा प्लान है हम लोग अभी जा रहे हैं बर्ड शो देखने के लिए, वो राइड तो जो हम लोग लेने वाले थे वो बंद हो गई थी, तो 11:05 को वापस खुलने वाली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं बर्ड शो देखने के लिए जिसका टाइमिंग है 2 बजे का, और ये सॉरी 2:30 बजे का,
और अभी टाइम हो गया है 10:27 हो गए, 3 मिनट बचे हैं बर्ड शो स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं माइन, क्या है बाबू इसका नाम राइड का नाम भूल गया मैं, सॉरी। सो ये पीछे आप जैसे मेरे देख सकते हैं वो राइड है, चश्मा पहन लेता हूँ यार। गाइड तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी है ये राइड के लिए। तो ये आए हैं जंगल के राजा जी, राजा जी बैठे अंदर जंगल की शेरनिया, शेर जी लगता है खाना खाने गए हुए हैं। मेरे हाथ से क्यों नहीं खा रहे हो? उधर जाओ बाबू, वो देखो आ गया, वो देखो मान नहीं रहा है मेरा वाला। इतना कैसे बैठे बैठे सो जाता है, हैं? इधर तार लगी हुई है। अरे उधर से नीचे जाने बोलो अपने को। एक्सीलेटर से चलें? हाँ। चलो 1 2 3 तो ये जो भी है सारा अंडर वाटर वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कैसा है, लोगों ने कितना प्यारा बनाया है। फिश देखिए कितनी बड़ी फिश, वो शार्क घूम रही है यार, ये शार्क। ऐसे होती है सफाई चॉकलेट बची हुई चॉकलेट की, कैसे पूरा साफ एकदम। सो अभी हम लोग आए हैं टाटा, क्या बोलते हैं इसको, टाटा शो है। सो अभी हम लोग आए हैं टाटा रिवर शो देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस में कैसे सिंड्रेला का शो पड़ा हुआ है और पूरा यूरोपियन कल्चर से इंस्पायर होकर लोगों ने बनाया। ये देखिए अब लाइब्रेरी,
एकदम बढ़िया प्रिटी। सो ये जो भी हम लोग ने किया वो यूरोप से इंस्पायर था, डिज़ाइन जितना भी था। अभी हम लोग जाने वाले हैं साउथ अमेरिका में। अभी राइट नाउ गाइस वी आर एट द एपी लाइन, अभी जो यहाँ की बहुत फेमस है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं और बाबू एंजॉय कर रहे हैं राइड को। इसको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी चेहरे की हालत देखो कैसी हो गई है। देख सकते हैं हमारी कैसी हो गई है बारिश की वजह से। पूरी बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, और इसी वजह से काफी सारे शोज भी वहां पे कैंसिल हो गए। सो अभी हम लोगों ने सोचा फटाफट जाएं।